सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एप्पल सपोर्ट गाइस। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ नए बेसिक बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एप्पल स्टूडियो में, जो नए यूजर या फिर कुछ पुराने भी यूजर्स नहीं जानते इसके बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली करके और सब खुद के आपके सामने मैं करूँगा और आपके सामने दिखाऊँगा कि कैसे ये सब करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिर्फ कहने से ही नहीं, देखने से भी इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल पर शायद आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जाके सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या फ़ायदा हो कि मेरे जो भी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, तो गाइस देख सकते हैं कि जैसे कि मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो समझिए। तो यहाँ पे मैं अपना एप्पल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा एप्पल स्टूडियो ओपन हो चुका है। और देखिए फर्स्ट नंबर पे ये हमें प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के ही बारे में या फिर बेसिक जाने तो बेसिक। तो हमें न्यू यूजर के लिए क्या करना होता है, पहले आपको सॉन्ग ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक सॉन्ग है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहा हूँ एप्पल स्टूडियो में। एप्पल स्टूडियो में लाने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। फर्स्ट नंबर ये हो गया बेसिक बातें जो आपको जाननी चाहिए। और ये अलग से बताया जाता है कि कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी सेकंड जो बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं। दो नंबर यहाँ पे देखिए इसका BPM कैसे फिट करते हैं। BPM फिट करने के लिए अभी हमें देखिए यहाँ पे एकदम कोने पे दिखाई दे रहा है आइकॉन एकदम छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिट टेम्पो एंड डिटेक्ट टेम्पो दो आपको दिया हुआ है। तो आप चाहें तो फिट टेम्पो करके इतना पे फिट कर सकते हैं 130 पे। अगर आप इस सॉन्ग का ओरिजिनल BPM चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेक्ट टेम्पो करके, अगर आपका हिंदी सॉन्ग है तो आप 75-150 के बीच में कर सकते हैं। अगर आपका भोजपुरी सॉन्ग है 100-150 के बीच में इसका BPM सेट कर सकते हैं। तो ये सेकंड बेसिक बातें हो गई। तो इस पर क्लिक करते हैं 75-150 क्योंकि मेरा हिंदी सॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है, सर्चिंग लेगा उसके बाद यहाँ पे इसका BPM ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। और थर्ड नंबर जो होता है वो बता दे रहा हूँ, पहले ये BPM हमारा फिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 87999999 है, तो इस पर यस मांग रहा है, तो इस पर यस कर देंगे क्योंकि इतना पे फिट कर लेगा अपना। 87.999 पे ये फिट हो गया। अभी इसका देखेंगे तो बेस लाइन देखेंगे कहाँ इसका गिर रहा है। तो प्ले करते हैं थोड़ा सा सॉन्ग को, ज़्यादा सॉन्ग को सुनाऊंगा नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है मुझे। तो देखिए यहाँ से इसका जो हार्ड किक वाला बेस है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो एक मिनट कंट्रोल जेड से कर लेता हूँ, उसके बाद शुरू से दिखाता हूँ आपको। तो इस पर होल्ड क्लिक करना है अपने माउस से। होल्ड क्लिक करने के बाद इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे 5 नंबर तक। देखिए मेरा 5 नंबर तक आ गया। अभी यहाँ से पूरा जूम इन कर लेंगे, जूम इन करके जैसे कि अभी थोड़ा कम था अभी पूरा फुल हो गया, इतना तक हमें फिट कर लेना है। यहाँ से अब अपना BPM मतलब कि यहाँ से बेस लाइन हमारा मैच हो चुका है। अब प्ले करके फिर से सुनेंगे। तो यहाँ से इसका बेस लाइन मैच हो चुका है। अभी देखेंगे तो इस पर हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है जो सॉन्ग के साथ ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ओरिजिनल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे अपने सॉन्ग के ऊपर और कंट्रोल L प्रेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल L, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए राउट टू फ्री मिक्सर ट्रैक, यहाँ पे कंट्रोल L भी बोल रहा है, कंट्रोल L से डायरेक्टली जा सकते हैं इस पर, यहाँ पे डायरेक्टली लाएगा। और अब देखिए कंट्रोल L से भी इसका करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल L प्रेस किया ये आ गया। अभी देखेंगे तो स्लॉट 1 पे हमें लेना होगा एक चीज़, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक हटाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप सभी पुराने यूजर्स तो जानते ही होंगे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये वाला लेंगे फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 और यहाँ पे कुछ इतना देखिए 150 के आसपास में, और दूसरे को 120 या फिर 30 के पास रख सकते हैं। और ये 7 नंबर को चाहें तो थोड़ा सा गिरा सकते हैं। मैं ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक हटाता हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है बैकग्राउंड म्यूजिक हटाने का। अभी सेकेंड नंबर पर पैरामेटिक EQ ले लेंगे। EQ को इतना देखिए ये दोनों को इतना गिरा देंगे और इसको भी थोड़ा सा गिराएंगे। इसको चाहे तो गिरा सकते हैं, नहीं तो अपने सॉन्ग के मुताबिक जितना आपका सॉन्ग होगा वैसे गिरा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एकदम इतना सा गिराना है और इसको भी थोड़ा सा इतना। अब हो गया हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक कंप्लीट हट चुका है, अब इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी हो गया हमारा कंप्लीट।
अब देखिए, हमें पैटर्न बनाना आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें इतना ही बेसिक है और बेसिक है वो बता दे रहा हूँ। तो देखिए, अभी हमें एक बेस ऐड करके दिखाता हूँ, हार्मलेस को ऐड करके दिखा देता हूँ। हार्मलेस के बारे में आप उतना नहीं जानते होंगे। अभी देखिए, हार्मलेस जो है यहाँ पे टैप कीजिएगा तब बजेगा। कीवर्ड से कुछ भी प्रेस करेंगे, कीवर्ड से जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं बज रहा है अभी, कुछ भी नहीं बज रहा है। तो अभी क्या करेंगे, कीवर्ड से बजाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए, इस पर पीला कलर में कर देना है, पीला और रेड में, और अपने क्या करना है, कीवर्ड में प्रेस करना है। तो ये बजने लगा। अगर यही को अनटिक कर देते हैं तो अभी कीवर्ड कितना भी प्रेस कीजिए नहीं बजेगा, और टिक कर दीजिए तो बजने लगेगा। तो चलिए अनटिक करके रखते हैं, जब इसका काम लगेगा तब ही ऑन कीजिएगा, नहीं तो की वगैरह जब आप मान लीजिए सॉन्ग पे सेलेक्ट करते हैं और इसका यहाँ पे, तो देखिए ये सॉन्ग बजने लगेगा कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो इसको अनटिक कर देते हैं। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा और प्रॉब्लम आपको मतलब कि और प्रॉब्लम और बेसिक सभी साथ में बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन में ही रहना है, नॉन और ये सब में नहीं रखना है, और सेल और ये सब बहुत सारा है तो लाइन पे ही रखने देना है। यहाँ से लाइन से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे तो सेल है, नॉन है, नॉन कर दीजिएगा तो कहीं पे भी इसको घसका कर ले जा सकते हैं अपने सॉन्ग को, और मेन कर दीजिएगा तो जहाँ का तहाँ रहेगा, और मतलब कि मेन कीजिएगा तो जहाँ चाहिए फिर से वहीं ले जा सकते हैं, और लाइन पे कर देंगे तो एकदम लाइन बाय लाइन रहेगा, तो आपका किक वगैरह हार्ट हिट्स जो भी आप यूज़ करेंगे वो इधर से उधर नहीं होगा। तो यही है बेसिक। और देखिए बेसिक, और आप कीवर्ड शॉर्टकट के बारे में नहीं जानते होंगे तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा कीवर्ड शॉर्टकट का, और जाकर देख लीजिएगा कीवर्ड शॉर्टकट कैसे मतलब यूज करते हैं अपने एफएल स्टूडियो में। तो गाइस, आशा करता हूँ कि मेरा जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे शायद इस नए चैनल पर नए हो, ये तो पहले ही बोला था फिर भी बोल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। इससे क्या फ़ायदा हो कि मेरा जो भी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए, नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।